तो भाइयों ये बताओ कौन है? ये हैं भाई सौरव जोशी व्लॉग्स। और मैं इनके व्लॉग्स पता है क्यों देखता हूँ? मैं इनके व्लॉग्स देखता हूँ जिससे कि यार मैं इनकी सीक्रेट एंड ट्रिक्स एंड टिप्स चुरा सकूँ। भाइयों अभी हम पहुंच चुके हैं दुकान पे, लेकिन ये दुकान तो यार बंद है। मतलब हैं दो भैया यहीं भी, पर कहीं गए होंगे। तो भाइयों फिलहाल मैं जा रहा हूँ रनिंग करने के लिए, तो चलो यार चलते हैं। तो भाइयों फिलहाल मैं जा रहा हूँ घर पे, और घर पे जाके पढ़ाई करूँगा। पहले एक कटोरा दूध पीऊँगा भाई जाके। दूध लेने के लिए ये देखो हमारा डिब्बा डोलची जो भी। शक्कर की बनाऊंगी चाय। शक्कर की तो बेकार लगे। नहीं अच्छी लगा थोड़ी सी। फिलहाल मैंने चाय पी लिया और पुंपू के ड्रामे शुरू हो चुके हैं। भाइयों अभी मैं नहा धो के रेडी हो गया हूँ, और मैंने पूजा भी कर ली है। तो अभी मैं छत पे आया हुआ हूँ कपड़े सुखाने के लिए। आज नवंबर की 10 तारीख हो चुकी है, उस हिसाब से ठंड आई नहीं है अभी तक। तो भाइयों अभी मैं एडिटिंग शुरू करूंगा। गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हो सारे? मैं तो काफी ज्यादा अच्छा हूँ, बाकी तो करते हो आप भी काफी ज्यादा अच्छे होंगे। तो फिलहाल मैं और भैया जा रहे हैं टेपिंग की मतलब रैप की दुकान में पता करने के लिए और सब चीज़ें तय करने के लिए। तो हाँ आज भी है कि धड़कन भी तेज हो रही है, हार्ट बीट तेज हो रही है, तो भैया का भी मन थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। और नहीं उंगली भी कट गई थी परसों या कल, पता नहीं परसों कटी है, परसों दिखाना। हाँ तो भाई दिख गई होगी, मैं दुआ करता हूँ। बहुत हो रही है आज, तो आज तो काफ़ी हो रही है। भाई अभी हम पहुँच चुके हैं दुकान पे, लेकिन ये दुकान तो यार बंद है। मतलब हैं दो भैया यहीं भी, पर कहीं गए होंगे। तो अभी भैया फ़ोन कर रहे हैं। अब कैसा है छाती में दर्द? भाई लेकिन बात तो कर दी जाएंगे आज। तो भाइयों फिलहाल मैं जा रहा हूँ रनिंग करने के लिए, तो चलो यार चलते हैं। तो भाइयों अभी फ़िलहाल मेरी रनिंग कंप्लीट हो गई है, और पता है जब दो तीन दिन हो जाते हैं ना भागते भागते, तो क्या होता है कि पैर दर्द करने लगते हैं, लेकिन सब जब शरीर गर्म हो जाता है ना जब नहीं होता भाई। तो भाइयों फिलहाल मैं जा रहा हूँ घर पे, और घर पे जाके पढ़ाई करूँगा। पहले एक कटोरा दूध पीऊँगा भाई जाके, क्योंकि हाँ दूध से ज़्यादा जान किसी भी चीज़ में नहीं है भाई। हेलो गाइस दिस इज़ द नेक्स्ट डे भाई, और यार अभी बज चुके हैं सुबह के 7:30। मैं जा रहा हूँ दूध लेने के लिए, ये देखो हमारा डिब्बा डोलची जो भी बोलते हैं। तो हाँ फिलहाल मम्मी बना रही है चाय। चाय देख लो भाई, आज शक्कर की बनाऊंगी चाय। शक्कर की तो बेकार लगे। नहीं अच्छी लगा, थोड़ी सी चीनी मिला लो, सौंफ डाल। भाइयों अभी मैं नहा धो के रेडी हो गया हूँ, और मैंने पूजा भी कर ली है। फिलहाल मेरी चाय आ गई है, और ये देखो मैंने अपना ट्राईपोर्ट का ख्याल करा है, देख रहे हो टुकड़े टुकड़े कर दिए इसके। अरे मजाक कर रहा हूँ भाई, टुकड़े टुकड़े इस वजह से किए हैं, इसे साफ करना है आज। तो इसे साफ करते हैं, फिर इस पर फोन सेट करेंगे और फिर इससे ही ब्लॉग बनाएंगे। फिलहाल मैंने चाय पी लिया और पुंपू के ड्रामे शुरू हो चुके हैं। पुंपू देखो इस बेड पे हमारे चादर अभी क्यों नहीं है, आपको पता है ये रेस करता है इस बेड से उस बेड तक, तो वहाँ की भी चादर सही हो जा मतलब बेकार हो जाती है, वहाँ की भी बेकार हो जाती है। तो फिर मम्मी सोचती है कि ये भूलिए अपनी रनिंग पहले पूरी कर ले जब चादर बिछाएंगे, तो इस वजह से इस पे चादर नहीं है, ये मत सोचना कि मतलब ऐसे बिछा नहीं रखी, ठीक है। और अब इसे खेलने का मन है देखो मेरे साथ, देखो हाथ चाबता रहता है, पता नहीं हाथ चाब के ना भाई इतनी बुरी जख्म कर दी है ना इसने मेरे हाथों पे। पर ये कहाँ मानता है जनाब जी, हट जा। हमेशा पता नहीं हाथ चापता रहता है भाई, बहुत मतलब तेज दर्द होता है। तो अभी मैं छत पे आया हूँ कपड़े सुखाने के लिए, कपड़े सुखा दिए हैं। तो भाई एक बात है, देखो जैसे आज नवंबर की 10 तारीख हो चुकी है, उस हिसाब से ठंड आई नहीं है अभी तक। अभी इतनी ठंड पड़ती नहीं है, सुबह और रात को ठंड पड़ती है, दोपहर को तो वैसा ही सीन रहता है जैसा गर्मियों में रहता है। हाँ ये है कि दिन छोटा होने लग गया है, बाकी ठंड का इतना नामोशान कुछ है नहीं। और आज देखो मम्मी ने छत धो दी है, आधी आधी बच गई है, मतलब ये हिस्सा बच गया थोड़ा सा, और तो सब धुल चुकी है। तो भाई और जैसे मम्मी पोछा लगा रही हैं, तो मम्मी से मैं पूछता हूँ कि ये जो एक तो ऐसे बैठ के पोछा लगाते हैं ऐसे पत्थर पे ऐसे ऐसे करके, और मम्मी ने ये पोछा ले रखा है जो खुद से ही मतलब निचड़ विचड़ जाता है, और ऐसे बस स्टिक के थ्रू लगाना होता है, तो इसके क्या फायदे हैं मम्मी? एक तो झुकना नहीं पड़ता और जल्दी लग जा, जिसकी कमर में दर्द है जिसमें दिक्कत है। तो आपको फायदा है, आपको फायदा है इस टाइम जल्दी लग जा। है कितने का ये? 1100 का, 1100 शायद 1100 या 1200 का था ये पहले। तो देखो हमने वो 700 का था, और ये जो ऑर्डर करके मंगवाए हो 1100 का, मुझे पक्का
तो भाई देखो हमने 3-4 पोछे बदल लिए हैं। पहले मंगवाया था, पहले कितने का था वो? था शायद से 1600 रुपए का, जो सबसे पहला सबसे था। पहला, हाँ, वो तो 1600 का। ठीक है, और पर फिर इतना अच्छा भी था। तो फिर वो क्या हुआ, उसकी ना कोई प्लास्टिक नहीं, उसकी रबड़ खो गई थी। हाँ, जी, सामान बदला, दूसरे कर दिया। तो उसका कुछ भी खराब नहीं था। जैसे वो 1600 रुपए का था तो वो काफी ज्यादा अच्छी क्वालिटी का था, मुझे तो पसंद था वो ही। इन्हें पता नहीं यही पसंद है। फिर ये लाए थे रिलायंस में से, वो 600 रुपए का था, सेम ऐसे ही था। बस उसकी एक तो बाल्टी थोड़ी सी वैसी कमजोर थी, और बाल्टी में जो रिंग होती है स्टील की नहीं थी। अब ये मंगवा दिया, इसमें स्टील की रिंग है और बाल्टी भी काफी ज्यादा ये धाकड़ सी है। तो हाँ, इसका तो यही सीन है भाई, 5 मिनट में पूरे घर में लग जाता है। पर मम्मी इतना साफ थोड़ी लगता होगा। नहीं, साफ लगा है। पानी साफ रखो, पानी बदलो 2 बार अच्छे से। पर भाई मैं तो यही मानूंगा कि हाथ से जितना साफ हो जाता है उतना इससे नहीं होता होगा। नहीं हुआ इससे, ऐसा कहाँ होता होगा। देखते पानी बदलते रहो अच्छी तरह से, काम बदल रहा है। तू तो पानी बिना बदल ही करता है काम। देखो एक तो मेरे से पोछा लगवा लेती है, फिर मेरी पोछे की तारीफ करने की बजाय मेरी पोछे में कमी निकालती रहती है, आगे से लगाऊंगा नहीं। तो भाइयों ये बताओ कौन है? ये है भाई सौरभ जोशी व्लॉग्स। और मैं इनके व्लॉग्स पता है क्यों देखता हूँ? मैं इनके व्लॉग्स देखता हूँ जिससे कि यार मैं इनकी सीक्रेट ट्रिक्स एंड टिप्स चुरा सकूँ और अपने व्लॉग में अप्लाई कर सकूँ। ऐसा नहीं है भाई, मैं इसलिए देखता हूँ क्योंकि देखो इन्हें 2-3 साल हो गए हैं व्लॉगिंग करते हुए, तो ऑब्जर्व करते हैं चीज़ों को, और जो मतलब कुछ सीखने को ही मिलता है। हर एक चीज़ से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। तो मैं ये सीखता हूँ कि ब्लॉगिंग और भी अच्छे से कैसे कर सकते हैं, ठीक है ना? हाँ, ये इसी वजह से देखता हूँ मैं। और स्टार्टिंग से ही देख रहे हैं हम, तो जब ब्लॉगिंग चैनल था भी नहीं जब से देख रहे हैं। हमें हो गए 2-3 साल हो गए जब से इन्होंने स्टार्ट किया था, जब से ही देख रहे हैं। तो भाइयों अभी मैं एडिटिंग शुरू करूँगा, और मैं ना 2-3 महीने में ये सोच रहा हूँ कि फिल्मोरा का सब्सक्रिप्शन ले लेंगे। मैं सोच रहा हूँ कि यार मेरी फर्स्ट पेमेंट वगैरह आ जाए, तो ऐसा मेरी मेहनत सफल हो जाए तो जब ये कुछ हो। लेकिन 2-3 महीने में ले लेंगे फिल्मोरा का सब्सक्रिप्शन। फिलहाल थंबनेल आज मैं इससे डिज़ाइन करूँगा लैपटॉप से, क्योंकि यार लैपटॉप में और इसमें फ़ोन में काफ़ी ज़्यादा अंतर है। इसके कलर कॉन्ट्रास्ट अलग हो जाते हैं, इसके कलर कॉन्ट्रास्ट अलग हो जाते हैं, और जो क्वालिटी इससे आ जाती है वो इससे नहीं आ पाती। तो हाँ भाई, तो फिलहाल यार मैं इस ब्लॉग की एडिटिंग शुरू करता हूँ, मतलब और थंबनेल की एडिटिंग शुरू करता हूँ। इस व्लॉग को करता हूँ यहीं पे एंड। अगर आपके व्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो उस व्लॉग को एक लाइक कर देना, चैनल को नहीं सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपके इसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और यार कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना कि व्लॉग कैसा लगा है, ठीक है?